जशपुर में सालों पुराने शासकीय बुनियादी स्कूलों को बंद करके इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने से अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। स्कूल बंद होने से छात्र छात्राओं के सामने अब बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। अब बच्चों को पढ़ाई के कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। वहीं हिंदी भाषा के लिए काम कर रहे साहित्यकार डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में परिवाद दायर किया है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि स्कूल बंद होने से बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। मीडियम बन गया है सर, तो हिंदी वाले जितना बच्चे हैं उस सबसे थोड़ा सा तो सरकार थोड़ा ध्यान दें, जो हिंदी मीडियम जो था उसको बच्चे लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करें। इंग्लिश मीडियम बन रहा है तो हिंदी मीडियम भी बनाना चाहिए बगल में ही। यहाँ पर अपना पढ़ाई करते थे काफी समय से, और ये अब अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनाया जा रहा है इसको, जिससे यहाँ के पब्लिकों में काफी आक्रोश से काफी क्रोध है। उन लोग गरीब बच्चों के माता पिता लोग सब कोई दुखी है इस चीजों से कि इतनी अच्छी स्कूल, इतना अच्छा पढ़ाई, इतना सब कुछ फैसिलिटी होते हुए भी यहाँ अंग्रेजी माध्यम क्यों दिया जा रहा है। जशपुर के बुद्धिजीवियों को आपत्ति करना चाहिए कि वह एक स्थापित स्कूल है और उसे स्थापित स्कूल के रूप में रहने देना चाहिए। जहां तक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का सवाल है, उसके लिए सरकार का और जिला प्रशासन को अलग से किसी बिल्डिंग का चयन करना चाहिए। सर उनके लिए 3 किलोमीटर के में स्कूल और है, उन स्कूल में लोग जा सकते हैं। और हमने भर्ती के लिए जो है उन बच्चों को बोल दिया है कि आसपास के जितने भी स्कूल हैं उन स्कूल में भर्ती किया जा सकता है उनको, और उनको ऐसा कोई तकलीफ नहीं होने का। छत्तीस